टू भी मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और आज आप लोग कह रहे हैं यार अब ये बंदी आज यहाँ कहाँ आ गई है। तो यस आज मैं एक एग्जीबिशन में जो कि चार फीमेल आर्टिस्ट हैं जो कि मेरे पीछे भी लिखा हुआ है अनरिटन जो है उसका टाइटल है और वुमेंस राइट पे है। ये इस तरह का टाइटल बहुत कम ही जो आर्टिस्ट हैं जिसको यूज़ करते हैं या उठाते हैं और काम करते हैं उस पर। तो बेसिकली यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे मिनिएचर्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो कि आज मैं जानने जा रही हूँ। मेरे साथ आप लोग आज जो है डिफरेंट आर्टिस्ट से मिलेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो आइए चलते हैं और पिक्चर्स एंजॉय करते हैं। खान हमारे साथ हैं, आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि कितना आज का इवेंट जो है सक्सेसफुल जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, शुक्रिया। ये हमारे सतरंग गैलरी में आज जो हमारा शो है, ये चार खवातीन आर्टिस्ट का हमने काम दिखाया है, तो इसलिए हमारे लिए हमें बहुत फ़ख्र है शो पे। बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट शो है फॉर वुमेन आर्टिस्ट और चारों का काम जो है वो वुमेन्स राइट्स के ऊपर है। और अपने खूबसूरत इन्होंने पेंटिंग से इसके थ्रू इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दिखाई है कि विमेन के जो हुकूक हैं, और टाइटल भी शो का है अनरिटन, के मतलब काफ़ी से हुकूक उनके उनको मिलते ही नहीं है और कितना ज़रूरी है उनको ये हुकूक देना। और आजकल के ज़माने में हमारी जो एंशिएंट माइथोलॉजी है और सूफीज़म में भी औरतों का बहुत रोल रहा है और बहुत उनका दर्जा भी रहा है, लेकिन ओवर द ईयर्स वो शैडो हो गया है और सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, तो औरतों के रोल को ज़रा कम कर दिया गया, उनके जो सारे वाक़यात थे वो भी पीछे कर दिए गए। तो इन चार खवातीन आर्टिस्ट ने उन बातों को उभारा है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और भी डिफरेंट पेंटिंग्स देखते हैं, आर्टिस्ट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने किस चीज़ से इंस्पिरेशन ली। आइए चलते हैं। मैंने बहुत मुश्किलों से एक आर्टिस्ट को जो है ना पकड़ लिया, मैंने नहीं अपनी पेंटिंग एक्सप्लेन करें, मुझे भी बताएं, लोगों को भी बताएं बेसिकली इंस्पिरेशन क्या थी, क्योंकि ये वुमेन्स राइट पे था। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच पहले टाइम देने के लिए, क्योंकि हावत आई थी आपकी बेटी तंग कर रही है, लेकिन मैंने कहा 5 मिनट दे दे। तंग कर रही है। अच्छा बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है वुमेन्स राइट पे है, तो आपकी पेंटिंग लाहौर से रिलेटेड? हाँ, मैं लाहौर में ही रहती हूँ, तो मेरी पेंटिंग ज़्यादातर लाहौर के ऊपर ही होती है। मैं वैसे आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशनली, मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मैं पेंट करती हूँ शहर की फ़र्क फ़र्क जगहों को। ज़्यादातर कहा जाता है कि औरतें अगर आप बाहर पब्लिक स्पेस में देखें तो आपको औरतें मिलती नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है ये कहीं किसी हद तक यह बात सच है, लेकिन अगर आप बहुत दिल से उनको ढूंढें, अगर आपको एक्चुअली शहर की कोई नॉलेज है, तो आपको नज़र आएगा कि औरतें बहुत सी जगहों पर आती हैं और वहाँ पर एक रोल उनका होता है। वो ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ आती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सी शहर की जगहों को मायने देती हैं, वहाँ पे एक कुछ जगहों को ज़िंदा रखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जगह है मैंने बनाई है, इसमें नज़र आता है कि पोलियो की जो खवातीन है वो टीम बैठी हुई है, वो भी वहीं पे मौजूद होती है जहाँ पे औरतें और बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं साथ, औरतें और बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पे एक किस्म का न्याज बांटा जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे और मर्द और खवातीन मौजूद हैं, और इस तरह करके आपको बहुत सी जगह शहर में नज़र आएंगी जहाँ पे औरतें मौजूद हैं, वो उन जगहों को बहुत सा यू नो वो शहर को बनाने में एक बराबर का हिस्सा लेती हैं और वो शहर को मानी देती हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि शहर में औरतें नज़र नहीं आती, सारी घरों में बैठी रहती हैं, उनका कोई मतलब शहर के साथ रोल नहीं है, और उनका रोल होना चाहिए, जो सही बात है होना चाहिए, लेकिन औरतों को कि अपनी तरीके से कुछ जगह हैं इस शहर में और उनका अपना तरीका है शहर में मानी डालने का और शहर को बनाने का। तो बस मेरा फोकस उन जगहों पे है, और ज़्यादातर फिर उन जगहों पे आप ढूंढते हैं, बाज़ारों में बहुत सी औरतें मिलती हैं बच्चों के साथ, फिर आपको पार्क्स में मिलेंगी औरतें, बाज़ारों में मिलेंगी, तो ये बड़ी जगह हैं और यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद होते हैं, और ये ज़्यादातर आप टूरिस्ट भी जब कोई आता है आप इसी जगह पे उसको लेकर जाते हैं, बाज़ारों में लेकर जाते हैं, मज़ारों पे लेकर जाते हैं, पार्क्स में, बिकॉज ये जगहें जो हैं वो शहर को उसकी एक आइडेंटिटी देती हैं, और इन जगहों में औरतें और बच्चों का बहुत सा बड़ा रोल है और मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ ज़्यादातर। बिल्कुल। और लास्ट वन, कौन सा मीडियम आपका फेवरेट है, ये ऑयल पेंट है मीडियम? मैं हर मीडियम में काम करती हूँ, बट ज़्यादातर मैं पेन एंड इंक और ऑयल्स में करती हूँ काम,
बिकॉज उसमें मुझे लगता है कि आप शक्लें वगैरह उनके अंदर कैरेक्टर ज़्यादा डाल सकते हैं. तो अब तो आजकल मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं उन कहानियों पे भी फोकस करूँ जो कहानियाँ औरतें एक दूसरे को बताती हैं और उन जो कहानियाँ वो शेयर करती हैं, क्योंकि वो कहानियाँ कभी कभी एक तिलिस्मी किस्म का वो रखती हैं कैरेक्टर, लेकिन उन कहानियों का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो इमेजिनेशन डालती हैं एक शहर की एक्सपीरियंस के अंदर, कि जब सारी औरतें साथ में बैठी हैं वो एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रही हैं. तो ये जगह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि औरतें एक दूसरे को सोशल स्पेसेस में जाकर बहुत से मसले मसाइल से दूर रखती हैं, कि ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे मसले मसाइल के घर के मसलों से दूर एक जगह मिलती है जहाँ पे आप कुछ और सोच सकते हैं, कुछ शहर की हदूद से बाहर का सोच सकते हैं, कुछ दुनिया के हदूद से बाहर का सोच सकते हैं. बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. और भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में मैं जानूंगी, पिक्चर्स हैं जो कि ली गई हैं और उसकी डिटेल भी ढूंढूंगी, क्योंकि लोग बहुत हैं और आर्टिस्ट को ढूंढना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी जान के बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि वुमेन्स राइट पर 4 आर्टिस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है. तो आए चलते हैं और देखते हैं बाकी भी पेंटिंग्स. मेरे साथ हैं जो कि खुद भी आर्टिस्ट हैं, एनसीए से पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनका कौन सा मीडियम है, एग्जीबिशन उनकी भी हो चुकी हुई है या वो इन फ्यूचर प्लान कर रही हैं, वो इनसे इंस्पायर है, ये सब कुछ मैं उनसे पूछूंगी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. मैं खुद स्कल्प्टर हूँ और मैंने एनसीए से 2019 में ग्रेजुएट किया था. तो राइट आफ्टर ग्रेजुएटेड आई शॉट हेयर एंड देन आई वर्कड हेयर फॉर अ व्हाइल. तो माय फेवरेट मीडियम्स आर क्ले बेसिकली, बिकॉज आई एम अ स्कल्प्टर. And I am planning on showing here again, inshallah, sometimes in the future. And I really love the shows here. All of them are really, really beautiful. Beautiful colors, beautiful ideas. So, काफी ज़्यादा different artists आते रहते हैं. And I really love the work, the vibrant colors and everything. Okay. तो आपको क्या लगता है कि हमारे culture में art को promote किया जाता है, क्योंकि अभी ये इवेंट्स होना शुरू हुए हैं लेकिन बहुत कम इस तरफ लोगों का इंटरेस्ट है. मुझे लगता है कि पेरेंट्स अभी भी काफ़ी डरते हैं कि उनके बच्चे आर्ट या रिलेटेड फील्ड में जाएं, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है ना कि आगे कितना स्कोप है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज शोज उनको ज़्यादा हाईलाइट करना और इस तरह से ना कि बच्चों को भी ज़्यादा पेरेंट्स भी रिलैक्स होंगे कि इन बच्चों के भाई अगर बच्चे हमारे आर्ट्स लेते हैं तो दे स्टिल हैव अ फ्यूचर. अब्दाल हैं जो कि एनसीए से ग्रेजुएटेड हैं, ही इज़ एन ऑल्सो आर्टिस्ट और वो भी यहाँ पे आए हैं वुमेन राइट्स के एग्जीबिशन पे और पेंटिंग्स देख रहे हैं. तो मैंने कहा यार एक आप मुझे भी एक्सप्लेन करते हैं और देखने वालों को भी पता चले कि बेसिकली पेंटिंग्स में मिनिएचर्स भी हैं, ऑयल पेंट है, कौन कौन से मीडियम है, क्या क्या है, ये मुझे भी सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच देने के लिए. सो दिस एग्जीबिशन इज फोकसिंग ऑन फेमिनिज्म एंड इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फीमेल आर्टिस्ट टू एक्चुअली एग्जिबिट देयर वर्क कंसीडरिंग आवर सोसाइटी एंड हाउ दे आर लिविंग एंड फेसिंग द डिफिकल्टीज. सो स्पेसिफिकली इन दीज पेंटिंग्स जैसे है कि दे use the way they use the strokes and the brushes to depict whatever they're feeling in society and hence portray it onto their artwork, like we're using the strokes and the medium especially in order to show new dark colors and comparison, the way they show their clashes, how they deal with it on a daily basis. Basically you are talking about this. I'm talking about this and that combined, like the Bibi Hajra's work, right? Okay. The way she's working in feminism. So the point is for the viewer to understand the difficulty that they go through, but you know, showcasing it in a very beautiful manner, the way women of our society are made to be feel like. और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, जहाँ पे आज मुझे जो ये एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम अटेंड करके बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि था अनरिटन के नेम से और वुमेन्स राइट की बेस पे, जिससे मुझे आइडिया हो गया यार जितने भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आर्टिस्ट का फ्यूचर नहीं है तो वो ज़रूर इस तरह के एग्जीबिशंस में आएँ, सीखें और ये चीज़ अपने माइंड से निकालें कि आर्टिस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्ट को प्रमोट करेंगे तो यू विल सी कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या हो रहा है. और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.